हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। ये है दोस्तों हमारी पहली सवाल जवाब प्रेजेंटेशन ऑन सीरीज टू पॉलिनोमियल्स। सो आज हम वी विल टेक सम एग्जांपल्स एंड वी विल गो थ्रू सम ऑफ द बेसिक टॉपिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज वैलिड पॉलिनोमियल और नॉट। सो हम आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिखाएंगे एंड हमारी गोल होगी टू फाइंड आउट वो एक्सप्रेशंस आर द वैलिड पॉलिनोमियल, यस और नो। चलिए शुरुआत करते हैं। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स लाइक वी ऑलवेज डू। सो पहली एग्जांपल है, चलिए मान लेते हैं, लेट अस राइट समथिंग एज 2x प्लस 3। सो दोस्तों ये पॉलिनोमियल है या नहीं? सो आप नोटिस करोगे यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन एक्चुअली हैज टू टर्म्स, 2x एंड 3। सो आपकी ये जो 2x टर्म है, यहाँ पे यू हैव द लेटर द नंबर 2 एंड यू हैव लेटर x व्हिच इज द वेरिएबल, राइट। यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, यू विल नोटिस दैट दिस इज रेज टू पावर 1, राइट। सो आपको मालूम है दोस्तों फ्रॉम आर नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल प्रेजेंटेशन से, कि जब कभी आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जहां पे जो वेरिएबल्स है, इफ दे आर रेज टू पावर विच आर होल नंबर्स, देन यस दे आर पॉलिनोमियल। सो यहां हम कह सकते हैं बिकॉज वी हैव टू टर्म्स, 2x प्लस 3, और यहां पे जो वेरिएबल है दैट इज रेज टू पावर 1, देन वी से यस This is a polynomial. Now, chali dosto, let's take one another example. Is baar likhte hain y to the power 10 plus 5 y to the power 5 plus 2. So, ye dosto polynomial hai ya nahi? Aap notice karoge, this time we have three terms. So, 1, 2 and 3. So, pehli term hai y to the power 10. तो यहां पे क्लियरली इस एक्सप्रेशन में आपकी वेरिएबल है y, राइट। एंड यहां पे जो वी हैव थ्री टर्म्स, पहली टर्म में द वेरिएबल इज रेज टू पावर 10 व्हिच इज अ होल नंबर। सेकंड टर्म में 5y टू द पावर 5 वी हैव अ नंबर एंड अ वेरिएबल। सो यहां पे हम नोटिस कर रहे हैं कि वेरिएबल इज रेज टू पावर 5। सो वी कैन से यस दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे वी हैव थ्री टर्म्स एंड जो वेरिएबल की टर्म है वहां पे ईच वन ऑफ द वेरिएबल्स इज रेस्ड टू अ होल नंबर। सो यस दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल। नाउ लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। चलिए हाउ अबाउट एक्स प्लस 1/x, इज दिस अ पॉलिनोमियल? आप यहां पे देखोगे पहली टर्म है x व्हिच इज रेस्ड टू पावर 1, सो दिस टर्म इज गुड। ये जो सेकेंड टर्म है 1 बाई एक्स, यहां पे आप नोटिस करोगे 1 बाई एक्स को वी कैन राइट इट एज एक्स टू द पावर माइनस 1, क्योंकि हमारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो प्रेजेंटेशन थी वहां से हमने देखी थी कि अगर आपके पास 1 बाई एक्स ऐसे है तो यू कैन ऑलवेज राइट देम एज एक्स टू द पावर माइनस 1। सो देन ये जो आपकी एक्सप्रेशन है, दिस बिकम्स एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1। सो दिस टर्म इज गुड, क्योंकि यहां पे दिस इज रेज टू पावर 1 व्हिच इज अ होल नंबर। बट आप अगर इस टर्म को नोटिस करोगे, यू विल रियलाइज दैट दिस इज नॉट ए होल नंबर। सो इसका मतलब है दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ नो। नाउ आप क्विकली रिकॉल कीजिएगा दोस्तों, होल नंबर्स को वी राइट देम एज लेटर डब्ल्यू एंड दिस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स लाइक 0, 1, 2, 3, 4, एटसेट्रा टिल प्लस इंफिनिटी, राइट। फ्रॉम आर लास्ट सीरीज 1, जहां पे हम लोगों ने एक्सप्लोर की थी नंबर्स, नंबर्स एंड मोर नंबर्स, वहां वी हैव सीन इन द अर्लियर एपिसोड्स दैट होल नंबर इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ दीज नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 2, ऑल द वे टू प्लस इन्फिनिटी। सो जब कभी हम एक ऐसे नंबर, वी कम अक्रॉस सच अ टर्म इन द पॉलिनोमियल जहां पे वेरिएबल इज रेज टू अ पावर विच इज नॉट ए होल नंबर, देन वी से दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चले दोस्तों, लेट अस टेक मे बी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। फोर्थ एग्जांपल है, हाउ अबाउट वी टेक समथिंग लाइक यू टू द पावर 2 प्लस यू टू द पावर 20 प्लस यू टू द पावर 200। नाउ इज दिस अ पॉलिनोमियल? आंसर इज, वेल वी हैव थ्री टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, राइट। एंड पहली टर्म इज रेज टू पावर 2 विच इज अ होल नंबर, सेकेंड टर्म इज रेज टू पावर 20 विच इज अ होल नंबर, थर्ड टर्म इज रेज टू पावर 200 which is a whole number. So yes, so this is again a example of a polynomial. Now, hamari jo fifth and final example hai, oops.
चलिए लेते हैं समथिंग लाइक, मान लीजिए वी राइट समथिंग एज 2x² प्लस 3x³ प्लस 5x^3/2. सो इज दिस अ पॉलिनोमियल दोस्तों? आप नोटिस करोगे यहां पे वी हैव थ्री टर्म्स, 1, 2 एंड 3. सो पहले टर्म में एक्स इज रेज टू पावर 2 विच इज अ होल नंबर, सेकेंड टर्म में एक्स इज रेज टू पावर 3 विच इज अगेन अ होल नंबर, बट आप अगर नोटिस करोगे जो थर्ड टर्म है एक्स इज रेज टू पावर 3/2 विच इज नॉट ए होल नंबर. सो दिस इज नॉट ए होल नंबर एंड इसके वजह से दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए वी हैव टू गेट ऑल द टर्म्स. यहाँ पे इन दिस केस हमारे पास तीन टर्म है. इन ऑर्डर फॉर द एक्सप्रेशन टू बी पॉलिनोमियल ईच ऑफ द वेरिएबल टर्म्स दे मस्ट बी रेज टू अ होल नंबर विच आर 0, 1, 2, 3 सो ऑन सो फोर्थ टिल इन्फिनिटी. अगर वी हैव इवन वन टर्म, अगर इवन वन टर्म इफ इट इज नॉट रेज टू अ होल नंबर देन इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. नाउ चलिए दोस्तों, नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड थिंग दैट वी वॉन्ट टू डिस्कस टूडे विच इज मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एक्सेट्रा. सो वॉट आर दीज? नाउ आप नोटिस करोगे दोस्तों कि अगर, चलिए लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स. लेट अस टेक आर द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव सीन अर्लियर. मान लीजिए अगर आपको ऐसे करके एक दी जाती है एक्सप्रेशन विच इज दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट? नाउ यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? वेल वी हैव द फर्स्ट टर्म एज 2x एंड सेकेंड टर्म एज 3. सो यहाँ पे वी हैव टू टर्म्स, राइट? सो अगर हमारे पास दो टर्म्स है, इफ वी हैव टू टर्म्स इन दिस केस, टू टर्म्स, उसको हम बोलते हैं दिस इज अ बाइनोमियल. दिस इज अ बाइनोमियल. बाई स्टैंड फॉर टू, बाई का मतलब है इट स्टैंड फॉर टू. सो बिकॉज यहां पे देर आर टू टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों कि टर्म्स क्या है, बट द नंबर ऑफ टर्म्स 2x+3, यहां पे आपके पास दो टर्म्स हैं, इसके लिए वी कॉल इट अ बाइनोमियल. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. हाउ अबाउट द एग्जाम्पल जहां हमने देखा एक्स टू यू टू द पावर 2, यू टू द पावर 20 एंड यू टू द पावर 200. इस पॉलिनोमियल को दोस्तों हम बोलते हैं ट्राइनोमियल. क्यों? बिकॉज देर आर थ्री टर्म्स. यू टू द पावर 2 इज द फर्स्ट टर्म, यू टू द पावर 20 इज द सेकेंड टर्म एंड यू टू द पावर 200 इज द थर्ड टर्म. सो दिस हैज थ्री टर्म्स. सो अगर इसके यहां पे थ्री टर्म्स है, हम इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल. एंड एज यू कैन इमेजिन, यस, ट्राई स्टैंड फॉर थ्री. सो ये है स्ट्रिक्टली दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स दैट यू गेट, वी आर एक्चुअली क्लासिफाइंग द पॉलिनोमियल एज बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. नाउ वॉट अबाउट अगर आपको हम देते हैं सिर्फ नंबर टू? सो इज दिस अ पॉलिनोमियल एंड इफ इट इज, वॉट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इज इट? वेल पहली बात यह है दोस्तों, बिकॉज इट इज जस्ट द नंबर टू, आप सोच सकते हो यू कैन ऑलवेज इमेजिन दिस विद सम सॉर्ट ऑफ इमेजिनरी वेरिएबल एक्स हो या वाई हो टू द पावर 0, बिकॉज आपको मालूम है एनी वेरिएबल रेज टू द पावर 0 इज एक्चुअली 1, राइट? सो दिस वन बेसिकली इज एक्चुअली अ पॉलिनोमियल विच इज रेज टू अ पावर 0 बिकॉज 0 इज अ होल नंबर. सो यस, सो फर्स्ट थिंग इज दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट? नाउ दिस पॉलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म, जस्ट टू. सो इसे हम बोलते हैं इट हैज ओनली वन टर्म. सो इन पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल. सो ये हो गई, मोनो का मतलब है दोस्तों वन. सो हमने देखा दोस्तों कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके पॉलिनोमियल में हैं, हम उनको क्लासिफाई करते हैं इधर एज मोनोमियल और बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, या अगर चार टर्म है देन इट विल बी यू नो फोर टर्म्स और फाइव टर्म्स सो ऑन सो फोर्थ. नाउ आप नोटिस करोगे दोस्तों अगेन दैट टर्म्स क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जस्ट लाइक दैट अगर हमें टू टू दिया गया होता, या फिर इफ यू वेर जस्ट गिवेन अ पॉलिनोमियल सेइंग यू टू द पावर 10, राइट, या फिर एक्स टू द पावर 5, या फिर माइनस से 5y² या फिर 10x³, सो
आप नोटिस करोगे दोस्तों, ईच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल, क्योंकि यहां पे यू हैव ओनली वन टर्म, यहां पे यू हैव ओनली वन टर्म, यहां पे यू हैव ओनली वन टर्म, यहां पे यू हैव ओनली वन टर्म. सो अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो जहां पे अगर सिर्फ एक टर्म दी जाए आपको, सो दोज आर कॉल्ड मोनोमियल्स, दोज पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड मोनोमियल्स. अगर आपके पास ऐसी कोई पॉलिनोमियल हो जहां पे आपके पास दो टर्म हो, सो यू विल कॉल देम बाइनोमियल. अगर आपके पास तीन हो, यू कॉल देम ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन सो फोर्थ. नाउ दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यू डेफिनेटली वुड हैव गॉन थ्रू आर नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने ये प्रेजेंटेशन नहीं देखी है, वी स्ट्रांगली रेकमेंड दैट यू टेक अ लुक एट दिस प्रेजेंटेशन. यहां पे हमने वी हैव टच्ड अपॉन लॉट ऑफ द वेरी बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिनोमियल. थैंक यू.